का क्या कर रही हो तुम? गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बेल का शरबत बना रही हूँ। तो देखिए, मैं इसे पहले तोड़ देती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत पका हुआ बेल है ये, देखिए। और इसे मैं, इसके सारे पल्प को मैं कटोरे में निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल के और अब अपना हाथ को लगा के इसके सारे बीज को मैं निकाल देती हूँ। तो गाइस, ये देखिए, सारे बीज को मैं निकाल दी और अब मैं इसे स्ट्रेनर में डाल के छान दे रही हूँ। गर्मी का कूलर बन के तैयार है। मैं इसमें शहद डाल दी हूँ, मैं चीनी नहीं डाली हूँ, शुगर लेस मैं इसे बनाई हूँ। और मैं इसके फायदे बता दूँ कि पेट के लिए तो ये रामबाण है, और विटामिन ए और सी इसमें बहुतायत होता है, बोन को भी ठीक करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। आप इसे नमक डाल के भी ले सकते हैं, डायबिटीज में भी फायदा देता है, और ब्लड को भी ये बेल जो है क्लीन कर देता है। मैं इलायची पाउडर भी डाल दी हूँ और नींबू का रस डाल के मैं इसे ग्लास में डाल देती हूँ। इसमें फोलिक एसिड भी बहुत होता है, मिनरल्स, विटामिन, ब्लड प्रेशर को लो कम करता है, इसमें पोटासियम बहुतायत होता है, और एंटीऑक्सीडेंट तो भरपूर होता है, और प्रोटीन लेस, फैट लेस ये होता है बेल का शरबत। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद रखिएगा। और ये मेरा आज ब्लॉग था, मिनी ब्लॉग वेडनेसडे स्पेशल। तो जाके जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने पेट को ठंडा रखिएगा, दिमाग को ठंडा रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।